दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर की आईडी बना सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर में बहुत ही सरल और आसान तरीके से। दोस्तों जब भी हम एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं और वहां पर दोस्तों अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करनी होती है तो दोस्तों हम प्ले स्टोर पर इस तरीके से जाते हैं तो कुछ इस तरीके से साइन इन करने का ऑप्शन आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्ले स्टोर की आईडी बनाने के लिए कह रहा है, ईमेल आईडी बनाने के लिए कह रहा है, जीमेल अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने नए मोबाइल फोन के अंदर प्ले स्टोर की आईडी यानी कि जीमेल आईडी, जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, वो भी बहुत ही सरल और आसान तरीके से कुछ ही मिनटों के अंदर में। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर प्ले स्टोर की आईडी बनाना तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो बिना स्किप करे शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने नए मोबाइल फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर की आईडी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर वाली जो ऐप है उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे, प्ले स्टोर को ओपन करोगे, आपके सामने देखिए गूगल प्ले करके लिखा है और इस तरीके से साइन इन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो नीले कलर से साइन इन है इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप यहां पर टच करोगे, अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कोई पैटर्न या पासवर्ड लगाया होगा तो यहां पर ये पैटर्न या पासवर्ड मांगेगा तो आप डाल दीजिए। इस तरीके का फिर आपके सामने ये पेज निकल कर आएगा। नीचे की तरफ देखिए लिखा है क्रिएट अकाउंट, तो ये जो क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन है नीचे की तरफ देखिए लेफ्ट में, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन निकल कर आएंगे, फॉर माय पर्सनल यूज़, फॉर माय चाइल्ड, फॉर वर्क और माय बिजनेस। तो हमें जो है पहला वाला जो ऑप्शन है फॉर माय पर्सनल यूज़ ये सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज निकल कर आता है, क्रिएट अ गूगल अकाउंट, एंटर योर नेम, फर्स्ट नेम लिखा है और सरनेम लिखा है, सरनेम के आगे ऑप्शनल भी लिखा है, फर्स्ट नेम आप डाल सकते हैं, सरनेम अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की आपको, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं डालना तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नेम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल दिया है, इसके बाद यहाँ पर सरनेम भी हम डाल देते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से सरनेम और नेम जो है दोनों डाल दिया है, नाम डाल दिया है फुल नेम और सरनेम में जो सरनेम है वो डाल दिया है। इसके बाद नीले कलर से जो नेक्स्ट बटन है इस पर टच कर देना है। जैसे ही आप टच करोगे बेसिक इन्फॉर्मेशन का ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि डालनी है ऊपर ब्रैकेट में, और नीचे जो जेंडर लिखा है इस पर आपको आपका जेंडर डालना है, आप मेल हैं या फीमेल है वो डालना है। तो हम यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। आप भी इस तरीके से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्मतिथि, वो आप ऊपर डाल देंगे ब्रैकेट में। इसके बाद जेंडर लिखा है, जेंडर में आपको यहाँ पर टच करना है। यहाँ पर देखिए नीचे तरफ ऑप्शन आ जाएंगे मेल फीमेल का, तो जो भी आप हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद देखिए इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाला नीले कलर का बटन है इस पर टच कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे इसके बाद देखिए इस तरीके का पेज निकल कर आएगा और यहाँ पर आपको आपका जो ईमेल एड्रेस होता है @gmail.com जो हम बोलते हैं ना, तो वो एड्रेस बनाना है यहाँ पर। तो एड्रेस दोस्तों आपको यहाँ पर यूनिक सा बनाना है, वो इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल के लिए राहुल पटेल नाम है, तो आप अगर डायरेक्ट यहाँ पर राहुल और पटेल ऐड करोगे तो वो आईडी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। वो इसलिए क्योंकि जो ये जो गूगल अकाउंट होता है ये हमसे पहले करोड़ों लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पहले से, तो यहाँ पर कुछ आप यूनिक तरीके से डालिए जिसमें कि एक बार में ही वो ले लेगा, नहीं तो यहाँ पर रेड कलर से एरर आ जाता है और वो बोलता है कोई दूसरा नाम डालिए। तो मैं जैसा बता रहा हूँ सेम आप वैसा करें। और ईमेल एड्रेस बनाते टाइम आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है, जो भी आप लिखेंगे बिना स्पेस के लिखेंगे। आप देखिए किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले आपको आपका नाम डाल देना है इस तरीके से, देखिए नाम डाल दीजिए। अब यहाँ पर
छः अंक डाल दीजिए, कोई भी आप अपने मोबाइल नंबर के 6 अंक डाल सकते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ के 6 अंक डाल सकते हो, जो भी आप डालना चाहो वो 6 अंक यहाँ पर डाल दीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से नाम लिखा है और यहाँ पर मोबाइल नंबर के 6 अंक डाल दिए हैं आखिरी के, और इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका जो सरनेम है वो डाल देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले नाम लिखा है, इसके बाद अपने मोबाइल नंबर के 6 अंक डाल दिए हैं, इसके बाद में यहाँ पर हमने सरनेम ऐड कर दिया है। आप भी सेम इस तरीके से करें, बिना स्पेस के करना है आपको, यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस बनाना है। अब देखिए इस तरीके से करोगे तो ये एक बार में ही बन जाएगा। तो सेम आप भी इस तरीके से नाम डालिए, इधर पे 6 डिजिट डाल दीजिए, 6 अंक डाल दीजिए और यहाँ पर अपना सरनेम ऐड कर दीजिए। नीले कलर से नेक्स्ट वाला बटन है, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे इस तरीके से क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये है कि शब्दों में और अंकों में, अल्फ़ाबेट और डिजिट में, और कुछ स्पेशल करेक्टर भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि स्टार, हैश, एट द रेट, इस टाइप का कुछ स्पेशल टाइप के करेक्टर का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लीजिए, जो हम एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेते हैं। आप चाहें तो आपका नाम डाल के आपका नंबर भी डाल सकते हो, यानी कि शब्दों और अंकों में आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पर बना लिया है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला बटन मिल रहा है नीले कलर से, आपको यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे इस तरीके का पेज आएगा, आपको यहाँ पर नीचे की तरफ में आना है। नीचे देखिए लिखा है येस आई एम इन, तो यहाँ पर जो नीले कलर से येस आई एम इन लिखा है इस पर आपको टच कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे रिव्यू योर गूगल अकाउंट, अकाउंट इन्फो इस तरीके से आएगा, रिव्यू योर अकाउंट इन्फो। तो यहाँ पर आपको ये रिव्यू करा रहा है। आप अपना जो ईमेल एड्रेस है देख सकते हैं, नाम के नीचे आपको ऐट द रेट जो ईमेल gmail.com है, ये ईमेल एड्रेस होता है। तो ये ईमेल एड्रेस को ये रिव्यू करा रहा है। तो आप जो आपका ईमेल एड्रेस है इसको कहीं पर नोट करके रख लीजिए, और जो पासवर्ड आपने बनाया है इसको भी कहीं पर नोट करके रख लीजिए, यानी कि आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को कहीं पर सेव तरीके से लिख कर रख लीजिए। क्योंकि ये ईमेल आईडी आप एक बार बनाएं और हमेशा आपके काम में आती रहेगी, आपको बार बार ईमेल आईडी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप अपनी जो ईमेल आईडी है इसको कहीं पर लिख लें, और अपना जो पासवर्ड है इसको भी कहीं पर लिख लें। अब हम देखिए रिव्यू हमने कर लिया अपना अकाउंट, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन है नीले कलर से, इस पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे प्राइवेसी एंड टर्म्स का ये वाला पेज आएगा, आपको इसमें बिल्कुल नीचे की तरफ जाना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे नीले कलर से आई एग्री का ये बटन मिलेगा, तो आई एग्री पर आपको टच करना है। जैसे ही आप आई एग्री पर टच करोगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर में ये एक नया पेज खुलेगा गूगल सर्विसेज का। इसको आपको यहाँ पर गूगल सर्विसेज का जो टर्म्स है इसको आपको एक्सेप्ट वाला जो बटन है इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो ये देखो हमारा जो प्ले स्टोर है ये ओपन हो चुका है। यहाँ से जो भी ऐप अब हम चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो राइट साइड में ऊपर की तरफ आप देखोगे ये प्रोफाइल का आइकन है, इस पर टच करोगे आपकी जो ईमेल आईडी आपने बनाई है, गूगल अकाउंट आपने बनाया है, ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा जो है प्ले स्टोर का आईडी बन गया। प्ले स्टोर आईडी, गूगल आईडी और जीमेल आईडी ये सब एक ही होता है। आप चाहे तो प्ले स्टोर की आईडी बना लीजिए या फिर ईमेल आईडी बना लीजिए, ये सब एक ही चीज़ है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कोई भी ऐप आप चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना वो बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो जो भी आप ऐप को डाउनलोड करना चाहें वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से एक नई ईमेल आईडी बना सकते हैं, प्ले स्टोर की आईडी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।